ओम ज्ञानतिमिरांध्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति श्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिजत्कृपातमं वन्दे श्रीगुरुदिनधारिणि श्रीचैतन्यशुभं प्रमाणं। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज श्री चैतन्य मंगल के हम छठा दिन है और पिछली बार हम सूत्रखंड को कंप्लीट करके आदि खंड में ही चल रहे थे, तो आदि खंड से आज हम शुरू करेंगे। तो महाप्रभु अब प्रकट होने वाले हैं। आप सब तैयार है महाप्रभु को स्वागत करने के लिए? तो शुभ दिने शुभ क्षणे पूर्णमीरा तिथि फाल्गुनेर शुभ निशि हिमकर द्युति। तो फाल्गुन मास के दौरान शुभ दिवस पर शुभ तिथि में एक शुभ पूर्ण चंद्र की रात्रि में एक शुभ पल में शांत और शीतल चंद्रमा चमका। तब अचानक राहु ने अपनी अद्भुत शक्ति द्वारा चांद का भक्षण कर लिया। उस पल चारों दिशाओं में हरि हरि का जोर जोर से उच्चारण होने लगा। आप भी सब उच्चारण कर सकते हैं, हरि हरि। चारों दिशाएं मधुर दिव्य सुगंध से भर गई। फिर 10 दिशाएं स्पष्ट तथा आनंदमय हो गई। मंद मंद पवन बहने लगी। तब 6 ऋतुएं एक ही समय एक साथ प्रकट हो गई। 6 ऋतुएं उस शुभ वो मंगलमय क्षण में परम पुरुषोत्तम भगवान का इस पृथ्वी पर जन्म हुआ। भगवान गौर का रूप देखने के लिए लालायित देवतागण ने बाह्य आकाश में अपने अपने विमान उड़ाए, है ना, ऊपर जो है देखने के लिए अपना अपना एयरलाइंस सब, है ना, ट्रैफिक जाम हो गया, ऊपर एयर ट्रैफिक हो गया। उस समय जिसने भी सुना उसे केवल हरी हरी का ही ध्वनि सुनाई दी। इस प्रकार से मेरे भगवान ने जन्म लिया। लोचनदास ठाकुर कह रहे हैं, इसी प्रकार मेरे भगवान ने जन्म लिया। सचिर अंगने महावैकुंठ संपद आनंदे विभोर देवी बोले गद गद जगन्नाथ पंडित रे डाके हाथ साने जन्म सफल देखो पुत्रेर बयाने। उस समय जिसने भी उसी समय वैकुंठ का तेज सची माता के आंगन में प्रविष्ट हुआ। आनंद में भाव विभोर होकर सची माता ने अवरुद्ध आवाज में पुकारा,
अपने निकट ही खड़े जगन्नाथ मिश्र से वे बोली, अब हमारे जन्म सफल हो गए, अपने पुत्र के मुखारविंद की ओर तो देखिए। ग्रामीण स्त्रियां खुश होकर चिल्ला उठी, जय जय। नवजात शिशु को देखकर प्रत्येक व्यक्ति आनंदित हो गया। देवतागण, वेद तथा नाग कन्याएं सभी आ गए। भगवान गौरांग को देखकर वे सभी बोल उठे, जय 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 सचिनंदन। भगवान गौर की सुगंध से समस्त लोग सुगंधित हो गए। उनका प्रत्येक अंग असीम, वो अथाह अमृत के तुल्य था। उनको एकटक निहारते हुए प्रत्येक नेत्र ने शांति वो शीतलता प्रदान करने वाले आनंद का अनुभव किया। प्रत्येक हृदय में विचार उत्पन्न हुआ, यह लड़का ब्रज कन्याओं के प्राणधन भगवान कृष्ण ही है। मैंने ऐसे बालक को न कभी देखा है और न ही उसके विषय में सुना है। जब मैं उनको एकटक निहारता हूं तो मेरे हृदय को क्या हो जाता है। मैंने उनके सदृश कभी कोई व्यक्ति को नहीं देखा, एक सुंदर देवी ने कहा। बाद में हम इस बालक का सत्य जान पाएंगे, अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा है। जगन्नाथ विभोर देखिया पुत्र मुख, ब्रह्मांड ना धरे तार अंतर कौतुक, कत चांद उदय देखिया मुख खानी, प्रफुल्ल कमल दल बयान बखानी। भाव विह्वल होकर जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के मुखारविंद को एकटक देखते रहे। अपने हृदय में जिस आनंद का उन्होंने अनुभव किया, उस आनंद को सामने की शक्ति ब्रह्मांड में भी उस आनंद को समाने की शक्ति ब्रह्मांड में भी नहीं थी। उनके मुखारविंद में मैं कितने उदय होते चंद्रमा देख रहा हूं। मैं तो कहता हूं कि उनका मुख खिले हुए कमल पुष्पों की पंखुड़ी पंखुड़ी के समान है। मेरा विचार है उनकी उठी हुई नाक तिल के पुष्प के समान प्रतीत होती है। उनके गोरे अंग अथाह अमृत प्रकाश के सदृश है। उनके लाल होठों को एकटक देखते हुए मैं अपने अंदर अत्यधिक प्रेम उत्पन्न होता हुआ अनुभव करता हूं। उनकी गर्दन सिंह की गर्दन के सदृश है। उनके कंधे एक हाथी के कंधे के समान है। उनका वक्षस्थल चौड़ा है। उनकी भुजाएं घुटनों तक लंबी है। उनकी देह अमृत के समान अमृत से निर्मित है। उनके कूल्हे चौड़े हैं। उनकी जांघें केले के वृक्ष के समान है। उनके चरण दो लाल कमल पुष्प की पंखुड़ियों के समान है। उनके पांव के तलवों पर क्या क्या है? ध्वज, वज्र, हाथी को नियंत्रित करने वाली छड़ी अर्थात अंकुश, कमल पुष्प, रथ, छत्री, चामर, स्वास्तिक, जंबुफल, उर्ध्वरेखा, त्रिकोण, गज तथा जल कलश के चिन्ह है। उनके सदृश कोई रूप नहीं है। उनका रूप सर्वाधिक मधुर अमृत जैसा ही है। ऐसा अद्भुत रूप पहले कभी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ है। उनका गौरव महान से महान राजाओं के भी राजा के गौरव से अधिक है। इंद्रचंद्र, अनेक देवगण, गंधर्व वो किन्नर सभी तब पृथ्वी पर उतर आए। वे सभी इतने आनंद वो आश्चर्य से क्यों पूरित हो गए। प्रत्येक नेत्र अमृत से मंडित हो गया। शाश्वत प्रेम सहित प्रत्येक व्यक्ति ने प्रिय भगवान गौर की ओर टकटकी लगाकर देखा। कितने देर तक लोग उस नवजात शिशु की ओर एकटक देखते रहे, उनको निहारते रहे, जैसे कि वे बहुत पुराने मित्र हो। उनका प्रत्येक अंग
अथाह अमृत के सदृश था, जब लोग उनको अपने नेत्रों से एक टक देख रहे थे तो उन्होंने अपने हृदय में क्या अनुभव किया? आप जानना चाहेंगे क्या अनुभव किया? नवजात शिशु की ओर एक टक देखते हुए लोगों ने अनुभव किया कि उनके हृदय आनंद से कांप रहे थे। स्त्रियां उनकी ओर शिथिल वो निष्क्रिय नेत्रों से क्यों देख रही थी? उनकी कसी हुई कमर पेटी ढीली क्यों हो गई? सभी ने नवजात शिशु को एक टकटकी लगाकर देखा, ये सोचते हुए कि इस बालक ने कितने कामदेवों पर विजय प्राप्त कर ली है। प्रत्येक व्यक्ति बोलने लगा, जय जय हो सची माता का दिव्य पुत्र। मर्त्य नहीं है, मर्त्य नहीं है मतलब ही इज नॉट मेटेरियल, ही इज ट्रांसेंडेंटल, वो दिव्य है कि नहीं? सची देवी का पुत्र नया कामदेव है। जब यह अमृत वचन मेरे कानों में पड़ते हैं तब मैं क्रंदन करता हूं। गोलोक के स्वामी इस संसार में अवतरित हुए हैं। सब बातों पर विचार करते हुए स्त्रियां इस निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्या पहुंची है? कि गोलोक के स्वामी इस संसार में है ना अवतरित हुए हैं। समस्त लोकों के स्वामी पृथ्वी पर अवतरित हुए। आनंद से अभिभूत लोचन दास ये शब्द बोलते हैं। वे निष्ठा वो गंभीरता पूर्वक सब कुछ मंगलमय बनाने की का प्रयास कर रहे थे। सची माता का घर आनंद से परिपूर्ण हो गया था। भगवान गौर की महिमा गान को रोकने की शक्ति किसी में भी न थी। जगन्नाथ मिश्र भाव विह्वल हो गए थे, उनके शब्द भाव से अवरुद्ध हो गए थे। शीघ्रता पूर्वक उन्होंने अपने सगे संबंधियों को निमंत्रित किया तथा अपने पुत्र के लिए विशाल उत्सव का आयोजन कर दिया। जय हो जय हो जय हो, चारों दिशाएं आनंद से परिपूर्ण हो गई थी। सारा शहर आनंद से द्रवित हो गया था। सैकड़ों हजारों साध्वी स्त्रियां आई तथा चावल की लई और लाव लाल सिंदूर उपहार के रूप में लाई। सची देवी ने प्रेम एवं आनंद सहित अपने पुत्र को अपनी गोद में बिठाकर भाव से अवरुद्ध आवाज में कहा, कृपया हमें अपनी चरण धूलि प्रदान कीजिए। कृपा करके हमें अपना आशीर्वाद दीजिए। इस बालक की दीर्घायु हो ऐसा कहकर हमें आशीर्वाद दीजिए। सची माता जो भी आए थे सबको यही है ना निवेदन की कि आप क्या कीजिए, हमें आशीर्वाद कीजिए कि ये बच्चा जो है स्वस्थ रहे, ये इस बालक की को की दीर्घायु हो। यद्यपि यह हमारा बालक नहीं है फिर भी हम इसे अपना ही शिशु मानते हैं, ऐसा कहते हुए समस्त स्त्रियां ने अपना आशीर्वाद दिया। इसकी अमृत से भी अधिक मधुर देह की सभी विपत्तियों से रक्षा करने हेतु इसका नाम निमाय होना चाहिए, है ना? क्योंकि है ना विपत्तियां बल है तो इसका देह तो अमृत जैसा है, लेकिन इसको निमाय रख देंगे तो क्या होगा, विपत्तियां नहीं आएगा इसके ऊपर, है ना? ऐसा कहते हुए उन्होंने उस बालक को नाम दिया। बच्चों को प्रसन्न करने के लिए 8वें दिवस अष्ट कलह उपहार बांटे गए। 8वां दिन यहाँ पे छठिहार मनाया जाता है ना, तो वहां पे 8वां दिन मनाया जाता है। 9वें दिवस की रात्रि में हर्ष पूर्ण संगीत सहित आनंदमय उत्सव मनाया गया है? और एक एक दिन करके सची देवी का पुत्र बड़ा होने लगा। वह पृथ्वी पर चलते हुए पूर्ण चंद्रमा के समान प्रतीत होता गया होता था। उसके दोनों नेत्र काले काजल से अत्यंत खूबसूरत एवं भव्य
भव्य दिख रहे थे। हाँ वो बालक गौरचन तिलक लगाकर मनोहरी वो लालित्यपूर्ण लग रहा था। वो बालक अपने हाथों तथा घुटनों के बल चलता और मंद मंद मुस्कुराता। सची देवी तथा जगन्नाथ मिश्र अपने अद्भुत पुत्र को अपलक देखते रहते। श्री अंगम अर्जन करे नित्य नित्य सुगंधि तैल हरिद्रा, वदन चुंबय हियाम भारी थुए धन्य सची सुचरित्रा। सची माता अपने पुत्र को नियमित रूप से स्नान कराती तथा उसके शरीर पर हल्दी वो सुगंधित तेल का लेप करती थी। प्रेम से परिपूर्ण हृदय सहित वे उसके कपलों को चुमती। साध्वी सची अत्यंत सौभाग्यशाली थी। दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण नदिया के गांव में आनंद में वृद्धि होती रही। किसी को ये सुध नहीं थी कि महीने का कौन सा दिन है या सप्ताह का कौन सा दिवस चल रहा है या दिन है या रात है। भावमय आध्यात्मिक प्रेम से अभिभूत होकर लोग स्वयं को भी भूल गए और सब लोग अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठे थे। महाप्रभु को देखकर है ना सब लोग अपने को भी भूल जाते थे, है ना। नदिया के गांव में प्रत्येक घर आनंद से परिपूर्ण हो गया था। कोई भी इस बात के प्रति सचेत नहीं था कि कौन पुरुष था, कौन स्त्री थी, या कौन बालक था, कौन वयस्क था और कौन अंधा। कौन अंधा था। सभी लोग प्रेम से भाव विभोर हो गए थे। प्रत्येक व्यक्ति इस अनुपम आनंद के कारण निरंकुश हो गया था। भगवान गौर का मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा के सदृश था तथा उनके रूप में कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। इन विचार में खोई तरुण कन्याएं उच्छृंखलता पूर्वक अपने घरों के कार्य को भी छोड़ देती। दिन में 3 बार ये ग्रामीण कन्याएं शिशु रूप भगवान गौर के दर्शन करने के लिए दौड़ती। वे कहती, मुझे देखने दो, मुझे देखने दो। शिशु रूप भगवान को अपनी गोदी में बिठाकर उनके शरीर के रोएं खड़े हो जाते। इस प्रकार से दिन पर दिन क्षण प्रतिक्षण सभी लोग आनंद से परिपूर्ण होते जा रहे थे। अतः तो लोचन दास, जिसके लिए श्री नरहरि दास के चरण ही एकमात्र आशा तथा एकमात्र आकांक्षा है, भगवान गौर की महिमा का गुणगान करता है। इसी प्रकार ये प्रथम अध्याय होता है। दूसरे अध्याय बाल लीला, बाल लीला काफी नटखट है, नटखट लीला। এই মতো দিনে দিনে সচির কুমার বাড় হয় শরীর এন অমৃতের ধার, কি দিব উপমা তার না দিল সে নারী, খলবল করে প্রাণ কহিলে সে পারি। নীতি শূল কলা পূর্ণ ইন্দু মুখ চন্দ্র, সাধে দেখিবারে ধায় জনমের অন্ধ, আবে সে অধরে আধ মুচকি হাসিতে, আমি আর সাগর হেন হিল্লোল সহিতে। दिन प्रतिदिन सची का पुत्र बड़े बड़ा होने लगा। सची के लिए वो अमृत के की फुहार के तुल्य था। मैं उसकी तुलना किससे करूं, मैं उसकी तुलना किससे नहीं करूंगी, किसी से नहीं करूंगी। मुझ में ऐसा करने की कोई क्षमता नहीं है, फिर भी मेरा अधीर उदय कहता है मैं तुलना करूंगा। उनका मुखमंडल शाश्वत पूर्ण चंद्रमा के सदृश था। यहाँ तक कि जन्म से अंधे व्यक्ति भी उनका दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ते। उनके अधरों पर अर्ध मुस्कान वास करती थी। वो अमृत सागर की तरंगों के समान था।
कि नहीं? उनके लालिमा युक्त नेत्र अमृत से ओतप्रोत थे। उन नेत्रों को अलंकृत करने वाला काला काजल रूपी अमृत उस अथाह अमृत को उमड़कर बाहर जाने से रोकने के लिए निर्मित बांध के सदृश था। साध्वी सची तथा तो भाग्यशाली जगन्नाथ मिश्र अपने पुत्र के मुखमंडल को प्रेम एवं स्नेह पूर्वक एकटक निहारते रहते थे। एक क्षण वो हंसता था तथा दूसरे ही क्षण वो विलाप करने लगता था। अगले क्षण उसे किसी वस्तु की चाह होती तथा उनसे उससे अगले क्षण वो सची माता की गोद में बैठ जाता। उससे अगले क्षण वो झूले पर चढ़ चढ़ा चढ़ा मिलता। सची माता के वक्ष स्थल पर अपने चरणों को रखकर वो हवा में घूमती स्वर्णिम लता के सदृश आगे पीछे झूलने लगता था। उनके नेत्र बहुत लंबे थे, नेत्र ना बहुत लंबे ऐसे। उनकी कोलाहलपूर्ण हंसी मनोरम और आकर्षक थी। उनके अधरों पर अमृत धारा प्रवाहित होती प्रतीत होती थी। उनके नाक तोते की चोंच के समान आकर्षक थी। उनके कपलों चमकदार थे। 1 2 3 4 5 6 मास व्यतीत हो गए तब नामकरण नाम प्रदान करने वाला उत्सव तथा अन्नप्राशन उत्सव का दिन आया। नामकरण करेंगे और अनाज खिलाएंगे, अन्नप्राशन जिसको बोलते हैं। जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के लिए एक विशाल उत्सव का आयोजन किया। उन्होंने अपने पुत्र की स्वर्णिम देह को अनेक आभूषणों से सुशोभित किया। भगवान गौर ने अपने हाथों में कंगन, अपनी भुजाओं पर बाजूबंद, अपने गले में मोतियों का हार, अपनी कमर पर एक सुनहरी करधनी तथा अपनी पांव में पायल पहनी। उनकी हथेलियां तथा तलवे लाल हिंगुल से मंडित थे। उनके अधर बंधुली पुष्प के सदृश थे। उनके नेत्र लाल कमल पुष्प के समान थे। उनके गौर अंग आकाश की बिजली से धूल धूले प्रतीत हो रहे थे। उनके अंग इतने अधिक चमकदार थे कि मुझमें तो उनकी ओर देखने की भी शक्ति नहीं थी, नहीं है। उन्हें विश्वंभर नाम दिया गया जिसका अर्थ है समस्त लोकों का पालन करता। देवी सरस्वती के विद्वान अनुयायी कहते हैं कि यह शब्द परम पुरुषोत्तम भगवान का ही नाम है। विश्वंभर मतलब विश्व को भरण करने वाला है, ठीक नहीं? अपने माता तथा पिता के हाथों को पकड़कर वो बालक एक पल के लिए 2 कदम लड़खड़ाते हुए चला और फिर गिर गया। उस बालक ने आधे आधे अक्षर बोलकर बाल क्रीड़ा प्रदर्शित की। उसके टूटे फूटे शब्द चंद्रोदय द्वारा क्षुब्ध सागर में अमृत तरंगों के सदृश थे। समय बीतने के साथ वे आंगन में चलने लगे। विश्व के लिए वे शांतिदायक शीतलता लेकर आए। उन्होंने जगत के जोर से आक्रांत कष्टों का विनाश कर दिया। देवी लक्ष्मी द्वारा उपासित उनके चरण कमल अब पृथ्वी की गोद में निवास करते हैं। प्रेम से पूरित पृथ्वी देवी अब स्वयं को भी भूल गई है। पृथ्वी देवी भी जो है अपने आप को क्या करी, भूल गई। जब भगवान का चरण पृथ्वी देवी के ऊपर पड़ता था, है कि नहीं? आकाश में तो केवल एक ही चंद्रमा चमकता है किंतु पृथ्वी पर अब 10 चंद्रमा चमक रहे हैं। उनके प्रकाश के कारण अब अंधे व्यक्तियों को भी नेत्र प्राप्त हो गए हैं। उनकी आंखों की भी रोशनी वापस आ गई है। ये 10 चंद्रमा भगवान गौर की उंगलियों के अग्रभाग है। इन्हें देखकर विवेक सुन
वो निर्मोही पापी व्यक्ति भी भाग्यवान बन गए हैं, अर्थात उसके हृदय का अंधकार भाग गया है। भगवान गौर का चांद सदृश मुखमंडल कितने करोड़ों चंद्रमाओं का राजा है। कामदेव भगवान गौर को अपना धनुष अर्पित करके उनके भोगों की आराधना करते हैं, और अधिक मैं क्या कह सकता हूं। भगवान गौर का कृपा रूपी चंद्रमा हृदय के अंधकार के टुकड़े टुकड़े कर देता है। उस अंधकार में विरोध करने की तनिक भी शक्ति नहीं है। भगवान गौर की बाल्यकाल की लीलाओं का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? यद्यपि वे लीलाएं एक साधारण बच्चे के कार्यकलापों को के समान प्रतीत होती है, परंतु वे संपूर्ण पृथ्वी को पवित्र कर देती है। थोड़े ही समय में भगवान गौर के अग्रज विश्व रूप समस्त शास्त्रों में पारंगत विद्वान बन गए। तो जो बड़े भाई थे उनका नाम था विश्वरूप, विश्वरूप, और इनका नाम रखा गया था विश्वंभर। तो विश्वरूप जो है बहुत शास्त्रों में बहुत पारंगत विद्वान बन गए, उनके जो बड़े भाई थे महापुरुष के। उनकी महिमा और गौरव का वर्णन करने की शक्ति किसमें है? उनके अनुज छोटे भाई विश्वंभर जो महाप्रभु है। दिन प्रतिदिन भगवान गौर अपनी कृपा प्रकट करते रहे, यह सुनकर श्री लोचन दास ठाकुर अपने हृदय का आनंद से परिपूर्ण अनुभव करते हैं। हे चांद चांद, ऊपर नभ में चमकते चांद, नीचे आओ, मैं तुम्हारे दाग धब्बों को मिटाकर साफ कर दूंगा और तुम्हें गौर के कपालों का एक अद्भुत वो विस्मयकारी आभूषण बना दूंगा। हे मेरे स्वर्णिम पुत्र निमाई, तुम एक वस्तु की मांग करते हो, तुम्हारी मांगे अमृत से भी अधिक मधुर है। निमाई के पिता केले तथा दूध लेकर आएंगे। देखो तुम्हारे पिता आएंगे। हे दुष्ट बालक, शिकायत करना बंद कर दो, करो और अपनी आंखें बंद करके सो जाओ। माता जो है वो समझा रही है। हे स्वर्णिम कमल के समान मुख वाले बालक, हे लाल कमल पुष्पों के सदृश नेत्रों वाले बालक, हे चमकते तारों के समान आधे बंद नेत्रों वाले बालक, तुम्हारी आंखें मधुर शहद के सागर में तैरती हुई दो काली मधु मक्खियां सदृश है। सूती रजाइयां के साथ नरम शैया तैयार करने के पश्चात सची देवी ने अपने पुत्र को अपनी बाहों में पकड़े हुए अपने साथ लिटाया और सो गई। उनके एक स्तन से बालक ने अपने मुख से दूध पिया और दूसरे स्तन को अपनी उंगलियों से कसकर पकड़ लिया। लोचनदास कहते हैं, समस्त देवताओं के शिरोमणि ने एक छोटे बालक के समान अभिनय किया। कृपया भगवान गौर के इन यशस्वी व गौरवपूर्ण गीतों को सुनिए। अद्भुत कथाओं से परिपूरित गीत गीत कानों के लिए शुभ व मंगलकारी पवित्र भगवान नाम से पूरित गीत है। आरो एक दिन कथा सुनो सावधाने, अपना प्रकाश प्रभु कैलो ये न मने, एक गृह जगन्नाथ गृहांतरे सची, पुत्र को लेश करी सची सुखे सुती आछी। कृपया ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं ना आप लोग, सुन रहे हैं? तो कृपया ध्यान पूर्वक एक अन्य दिन की कथा सुनिए। भगवान गौर ने अपनी वास्तविक पहचान का रहस्य कैसे प्रकट किया उसकी कथा तो सुनिए। एक कमरे में जगन्नाथ मिश्र थे और दूसरे कमरे में सची देवी अपने पुत्र को अपनी बाहों में लिए प्रसन्नता पूर्वक सो रही थी। खाली कमरा कितने ही सिपाहियों से भर गया, यह देखकर सची देवी भयभीत हो गई।
कमरे में बहुत सारे सिपाही आ गए। इन देवताओं ने सची देवी को की बाहों में से भगवान गौर को ले लिया तथा तो उन्हें एक रत्न जड़ित सिंहासन पर बिठा दिया। उन्होंने उनका अभिषेक किया और विभिन्न प्रकार से उनकी आराधना की। फिर उन्होंने भगवान गौर की परिक्रमा की, उनके समक्ष नतमस्तक हुए तथा तो उनके चरणों को कसकर पकड़ लिया। उन्होंने बारंबार घंटियां तथा शंख बजाए। उन्होंने जय जय हरि हरि उच्च स्वर में बोलना प्रारंभ कर दिया। जय जय जगन्नाथ सवार पालन कलियुगे मोसभारे करिबे पोषण वृंदावन धन रस दिबे मोसभारे निवेदन तुम्हारा चरणे विश्वम्भरे। क्या क्या प्रार्थना किया उन्होंने। जय हो भक्तों के रक्षक तथा समस्त लोकों के स्वामी की जय हो। कलयुग में आप हमारा पोषण करने के लिए ही आए हैं। हे भगवान विश्वंभर, आपके चरण कमलों में हमारी यही विनती है कि कृपया हमें वृंदावन का अमृत कोष तो प्रदान कीजिए। सची माता बारंबार ये सब ध्यान पूर्वक देख रही थी। इस घटना से उत्पन्न आश्चर्य के कारण उनके मन मन को आघात पहुंचा। उन्होंने पुकारा, पुत्र पुत्र। वे अत्यंत अत्यधिक भयभीत थी। वे अपने लिए भयभीत नहीं थी, वे तो केवल केवल अपने पुत्र के लिए भयभीत थी जो उनका एकमात्र प्राण धन था। उन्होंने तेजी से झपट कर बालक को उठाया और उसे जगन्नाथ मिश्र जी के पास ले गई। वे बोली, जहां तुम्हारे पिता सोते हैं उस कक्ष में कोई देवी देवता नहीं है, तुम वहां जाओ और उनके बाहों में खुशी खुशी सो जाओ। सती माता सोची कि शायद मेरे कमरे में जो है ये देवी देवता आ जाते हैं, तो अगर ये पिताजी के कमरे में जाएगा तो वहां पे देवी देवताएं नहीं आएंगे। अपनी माता का कहा मानकर विश्वंभर वहां चल दिए। यद्यपि उन्होंने पायल नहीं पहनी हुई थी, किंतु जब वे चल रहे थे तो सची माता ने पायल की घुंघरों की ध्वनि सुनी। ठुमक चलत गौर चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत गौर चंद्र। समस्त देवताओं के शिरोमणि भगवान गौर जब कक्ष से बाहर निकले तो सारे देवतागण हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे चल दिए। तब भगवान गौर ने कहा, है देवताओं, मेरी ओर घूर कर मत देखो। उन्होंने देवताओं से कहा, श्री राधा व कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करो। राधा कृष्ण का गुणगान करो। उन सब सभी देवताओं को एकत्रित करके भगवान ने उनसे श्री राधा कृष्ण के प्रति भावमय प्रेम का गुणगान करवाया, ना? उनका स्पर्श करके भगवान गौरचंद ने उन्हें आनंदमय कर दिया। उन्होंने स्वयं भी विलाप किया तथा तो देवताओं को भी रुलाया। आंगन में जाकर गौर पुकारने लगे, राधा राधा गोविंद गोविंद। उन्होंने पुकारा, कालिंदी यमुना वृंदावन। तब देवतागण भी हर्षोल्लास में पुकारने लगे, राधा राधा। अपने पुत्र की लीलाओं को देखकर सची देवी अचेत हो गई। सची देवी अचेत हो गई। यह सब कोलाहल सुनकर श्री जगन्नाथ मिश्र उद्विग्न हो गए। जगन्नाथ मिश्र ने पुकारा, सची, ये मैं कैसा शोर सुन रहा हूं? भयभीत सची जोर से चिल्लाई। उनकी चीख सुनकर जगन्नाथ मिश्र बाहर की ओर दौड़े। उनका पुत्र माता पिता दोनों से चिपट गया। फिर यह देखकर कि उनके पुत्र के पांव में पायल नहीं है, वे अपने सुध बुध खो बैठे। उस पल उनके विचारों में भगवान की लीलाएं
प्रकट हुई तब सची ने उस सब का वर्णन किया जो उन्होंने देखा था। क्या बोली? वे बोली, ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवतागण स्वर्गीय विमानों पर आए, यहाँ आए तथा उन्होंने हमारे पुत्र की सेवा की। जब देवतागण हमारे आंगन में नृत्य कर रहे थे तो हमारा पुत्र राधा कृष्ण का गान कर रहा था। मैंने यह सब सुना था। मेरे विचार में तो यह एक स्वप्न था। यह सब देखकर मैं डर गई। तब मैंने उसे आपके पास भेजा। उसके पाँव में पायल नहीं थी, फिर भी जब वह चल रहा था तब मुझे पायल की झंकार सुनाई दी। हमारे बालक का ऐसा तेजस्वी रूप है, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना चाहिए। हमारी 7 पुत्रियां का निधन हो चुका है। अब यही यदि यह बालक भी हमें छोड़कर चला गया तो मैं और अधिक जीवित नहीं रह पाऊंगी। मेरे 5-7 बच्चे तो नहीं है। निमाई मेरी आंखों का तारा है। जैसे एक छड़ी एक अंधे व्यक्ति के लिए अत्यधिक बहुमूल्य वस्तु होती है, वैसे ही वो मेरे लिए अत्यधिक मूल्यवान है। जैसे शरीर मूल्यवान आत्मा के बिना नहीं रह सकता, वैसे ही मैं भी अपने गौर चंद्र के बिना जीवित नहीं रह सकती। कृपया उसे संकटों से बचाने का कोई उपाय कीजिए, सोचिए कोई ऐसा उपाय जिससे प्रारंभ से लेकर आखिर तक समस्त देवतागण उसके लिए मंगल लेकर आए। इस प्रकार से रात्रि व्यतीत हुई, फिर सूर्योदय हुआ। और तब सची का पुत्र अन्य बालकों के साथ खेलने चला गया। है ना? कुछ समय के लिए आंगन में जमीन पर लौटने वो लुढ़कने के कारण वो धूल में भर गया। यह देखकर अप्रसन्न वो दुखी सची माता बोली, तुम्हारा तेजस्वी शरीर एक स्वर्ण मूर्ति के सदृश है। मैं इसकी तुलना किसी से नहीं कर सकती। यह तो आकाश में चंद्रमा के समान है। तुमने अपने सुंदर शरीर को धूल में क्यों लिपटाया? अपनी माता को बहुत अधिक परेशान करते हो तुम, जो है अपनी माता को बहुत अधिक परेशान करते हो तुम, है कि नहीं? आप सबको है ना, माताएं, माताओं का एक्सपीरियंस है। यह वचन कहने के पश्चात सची माता ने धूल हटाकर साफ किया तथा तो अपने पुत्र के मुख को चूमा। उनके शरीर को के रोएं खड़े हो गए तथा तो उनकी आंखें लाल हो गई। दूसरे दिन सची का पुत्र अपनी आयु के अन्य बालकों के साथ विचरण करने के लिए चला गया। गंगा के किनारे एक वृक्ष के नीचे वे बानरों के समान खेले। वे एक पांव पर खड़े हो गए। यह सुनकर सची माता भगवान गौर हरि को वापस लाने के गंगा तट पर पहुंची। एक घुटना ऊपर और दूसरा घुटना नीचे करके वो एक पांव पर खड़ा था। यह देखकर सची माता ने जोर जोर से उसे पुकारा। अपनी माता को देखकर भगवान गौर भाग गए। वे एक पागल हाथी के समान दौड़ लिए। सची बोली, पकड़ो उसे, पकड़ो उसे। ब्राह्मणों के शिरोमणि मेरे भगवान निरंतर भागते रहे। सची माता ने उनका पीछा किया किंतु उन्हें पकड़ नहीं सकी। भगवान गौर घर भाग गए। एक बार घर पहुंच गए तो उन्होंने प्रत्येक पात्र वो प्रत्येक बर्तन को तेजी से झपट कर फेंका और सब तोड़ डाले। उन्होंने अपनी नाक की एक और अपनी उंगली टिका दी। सची माता उन्हें दंड देना चाहती थी। भगवान विश्वंभर ने शर्म से अपना सिर झुका लिया। उनका संपूर्ण
शरीर लज्जा से कांपने लगा। जैसे ही उन्होंने अपना शीश झुकाया, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उनका मुखारविंद चंद्रमा के तुल्य था। उनके नेत्र अधीर खजन पक्षियों के समान थे। उनके अश्रु मोतियों की लड़ी के सदृश थे। भगवान गौर के मुखमंडल को एकटक निहारते हुए सची माता प्रेम के परिपूर्ण हो गई, प्रेम से परिपूर्ण हो गई। उनको आलिंगन करके वो बोली, मेरे दुष्ट बालक, नॉटी बॉय। उन्होंने अपनी बाहों में पकड़े हुए सची माता ने कहा, मुझे घर की इन समस्त वस्तुओं से तुम्हें दूर रखना चाहिए। इस प्रकार से भगवान गौर हरि ने अनेक लीलाओं का आनंद उठाया। सची माता के पास अपने पुत्र के मन को समझने व जानने की क्षमता नहीं थी। उनकी लीला रूपी तट रहित सागर वेदों या जगत के ज्ञान से परे है। उनके प्रबल अभिमान को समझने की सामर्थ्य सची माता में नहीं थी। वे जानती थी कि उनका पुत्र निमाई अत्यंत अधीर व नटखट है। अप्रसन्न चित्त रहित उन्होंने परम भगवान पर ध्यान लगाया। एक दिन उन्होंने अन्य स्त्रियों से मिलकर उनके समक्ष एक प्रश्न तथा विनती रखी। वे बोली, मेरा पुत्र अत्यंत चंचल है। वो गंभीरता से विचार नहीं करता, अपनी सनक से कार्य करता है। वो अपनी बुद्धि का प्रयोग नहीं करता है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। उसको समझ पाने की तो मुझ में क्षमता नहीं है। वो इस बात पर विचार ही नहीं करता कि उसके कर्म पवित्र है या नहीं। यह सुनकर स्त्रियां दुखी होकर रोने लगी। भगवान गौरचंद से मिलकर उन्होंने उसका आलिंगन किया तथा कहने लगी, केने बापो करो एते अमंगले, सुनी विश्वम्भर हैला अत्यंत चंचले। क्यों क्यों रे बालक, तुम इतना बुरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? वे शब्द सुनकर भगवान गौर अत्यंत अधीर और एवं नटखट हो गए। यह देखकर स्त्रियां उदास चित्त हो गई। उस समय उन्होंने वही सब देखा जिसका सची माता ने वर्णन किया था। स्त्रियों ने पूछा, उस बालक ने इस तरह के कार्यकलाप करना कब प्रारंभ किया? सती देवी बोली, मैं नहीं जानती कि क्या कहूं। एक रात जैसे ही मैंने अपने पुत्र को बाहों में लिया तो समस्त देवतागण मेरे कक्ष में प्रविष्ट हो गए। उन्होंने मेरे निमाय को एक सिंहासन पर विराजमान कर दिया। छड़ी के समान गिरकर वे समस्त वो समक्ष वो उस वे उसके समक्ष नतमस्तक हो गए। निद्रा से उठते ही मैंने यह सब आश्चर्यजनक चमत्कार देखे। उसी समय से मेरा पुत्र बहुत अधिक स्वतंत्र हो गया है। यह सुनकर सभी सभी ने सत्य निष्ठा पूर्वक कहा, हमारा विचार है कि उन देवताओं में से कोई एक देवता इसके शरीर में प्रवेश कर गया है। कोई ना कोई देवता इसके शरीर में प्रवेश कर गया है। समस्त ब्राह्मणों को एक साथ एकत्रित करके जगन्नाथ मिश्र जी को ऐसा एक यज्ञ संपन्न करना चाहिए जिसमें समस्त देवताओं का उनके नाम से बुलाकर आवाहन किया जाए। यज्ञ के उस भाग में जिसमें वरदान मांगे जाते हैं, उन्हें अपने पुत्र के लिए आशीर्वाद मांगना चाहिए। जब इस रीति से देवताओं की उपासना की जाती है, तब वे देवतागण यह स्थान छोड़कर अपने घर वापस लौट जाएंगे। सच्ची माता, चिंता मत कीजिए। हम यह निश्चित रूप से कहते हैं कि यदि आप देवताओं की आराधना करेंगी तो आप निर्भय हो जाएंगी। सच्ची देवी ने उन स्त्रियों की चरण धूलि ग्रहण करके उनसे विदा ली। फिर वे जगन्नाथ मिश्र के पास गई और उन्हें पूरा वृतांत
कह सुनाया। तब सची देवी भगवान गौरचंद्र को गंगा नदी में स्नान करवाने के लिए ले गई। उन्होंने समस्त ब्राह्मणों को निमंत्रित करके यज्ञ संपन्न किया। तब सची देवी भगवान गौरचंद्र को गंगा नदी में स्नान करवाने के लिए ले गई। उन्होंने विचार किया, अब इसके नटखटपन का अंत हो गया है। भगवान विश्वंभर आगे आगे चले और सची माता ने उनके पीछे पीछे वे ध्यान पूर्वक देखती रही। जब भगवान एक अस्वच्छ स्थान पर गए, उन्होंने कुछ अस्वीकृत पात्रों का स्पर्श किया और ऐसा करना जारी रखा। यह देखकर माता सची के मुख से निकला, हाय हाय। जो कुछ मिट्टियां होती है ना, मिट्टी के जो पात्र होता है, जो जब श्राद्ध कर्म में लगता है या और किसी कर्म में लगता है, तो उसको अपवित्र माना जाता है। तो निमाई क्या किए, उसी पात्र को स्वरूप टच करने लगे। मेरा पुत्र तो अब और भी अधिक नटखट हो गया है, वो अच्छे कार्यों से तो दूर ही रहता है। तब सची माता ने क्रोध पूर्वक उससे कहा, बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। उनके वचन को सुनकर भगवान विश्वभर ने दया पूर्वक कहा, शुद्ध और अशुद्ध क्या होता है? पूछा विश्वंभर पूछे, धार्मिक तथा अधार्मिक क्या होता है? इन प्रश्नों का उत्तर न जानने के कारण संपूर्ण विश्व संहार के कगार कगार पर खड़ा है। प्रवचन देना शुरू कर दिए कि ये संसार जो है नहीं जानता कि शुद्ध और अशुद्ध क्या है, धार्मिक और अधार्मिक क्या है, और इसी के लिए ये संपूर्ण विश्व संहार के कगार पर खड़ा है। यह भौतिक जगत पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश रूप से निर्मित है, यहाँ और कुछ भी नहीं है। श्री कृष्ण चरण बिनु नाही अन्य धर्म, कृष्ण सर्वेश्वर कहि लये मर्म। और पहला प्रवचन दे दिए माता को, भगवान कृष्ण के चरण कमलों के अतिरिक्त और कोई धर्म नहीं है। धर्म का मर्म है कि भगवान कृष्ण समस्त स्वामियों के स्वामी है। यह सुनी सची देवी विस्मय होइया, सुर नदी स्नान कैलो गौरांग लोइया। ये शब्द सुनकर सची देवी आश्चर्यचकित हो गई। भगवान गौरांग को अपने साथ लेकर उन्होंने गंगा नदी में स्नान किया। घर वापस लौटकर उन्होंने श्री जगन्नाथ मिश्र से कहा, हे महात्मा, कृपया सुनिए कि हमारे लड़के ने क्या कर दिया। हमारा पुत्र समस्त यज्ञों का मूर्तिमान रूप है, वो धर्म के निष्कर्ष को जानता है, केवल वही इसे जानता है, अन्य कोई नहीं जानता। वो एक अस्वच्छ स्थान पर बैठ गया और फिर वहां उसने ऐसे शब्द बोले जिन्हें मैंने एक बच्चे द्वारा बोलते हुए न तो कभी देखा है और न ही कभी सुना है। ये वचन सुनते ही जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र को अपने गले लगा लिया। वे बोले, तुमने एक अस्वच्छ या गंदे स्थान का स्पर्श किया है, परंतु अब सब ठीक हो गया है। तुम मेरे परिवार के दीपक हो, मेरी आंख आंख के तारे हो। जैसे शरीर आत्मा के बिना जीवित नहीं रह सकता, वैसे ही मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता हूं। जब ये शब्द बोले जा रहे थे तो सची माता तथा जगन्नाथ मिश्र दोनों ही अपने पुत्र के मुखमंडल को एकटक देख रहे थे। प्रेम से अभिभूत होकर दोनों अपनी सुध बुध खो बैठे। उनके लालिमा युक्त तो नेत्रों से अश्रुओं की सहस्र धारा बहने लगी। उनके शरीर के रोएं सीधे खड़े हो गए। उनके मुख से टूटे फूटे शब्द निकल रहे थे। एक दूसरे का मुख देखकर दोनों के मुखमंडल पर मुस्कान आ गई। इस प्रकार से लोचनदास प्रसन्नता पूर्वक भगवान गौर की महिमा का गान करते हैं। भगवान गौरांग की जय हो, भगवान गौरांग की जय जयकार हो। हाय, मैं भगवान गौरांग के प्रति प्रेम के आनंद अमृत का आस्वादन क्यों नहीं करता हूं।
दिन प्रतिदिन प्रत्येक क्षण भगवान गौरांग का शरीर बड़ा बढ़ने लगा। वे सुमेरु पर्वत के समान बन गए। उनके मधुर वचन अमृत से आप्लावित धाराओं के सदृश थे, जिन्हें सुनकर माता सची ने अनुभव किया कि उनका हृदय विस्मयपूर्ण आनंद से भर गया है। कभी कभी वे उन्हें कुछ बताती और भगवान गौर उसके जवाब में कहते, मुझे आपके द्वारा बोले गए कथन सुनाई नहीं दे रही है, दे रहे हैं। फिर वे उन शब्दों को विनोदपूर्ण रीति से चिल्ला कर कहती, तब भी वन पुष्पों की माला धारण किए हुए भगवान गौर केवल यही कहते, मुझे सुनाई नहीं दे रही है। माता सची मातृ प्रेम के कारण पूर्ण रूप से अभिभूत हो गई। क्रोध से उश्रृंखल होकर उन्होंने एक छड़ी उठाई, जैसे मानो वे उनकी उनका पीछा करेंगी। घमंडी बालक, तुम्हें मेरा कहा सुनाई नहीं दे रहा है? वे बोली, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तो तुम मुझे चावल का एक दाना भी नहीं दोगे। बोला, अभी तो तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, और जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी तब तो बिल्कुल सुनाई नहीं देगा तुम्हें, हैं? एक मुट्ठी चावल भी नहीं दोगे तुम। वे इस प्रकार से बोली, तभी सची देवी का पुत्र अपनी ही बात पर अड़िग रहते हुए बोला, मैं अपनी माता के वचनों को नहीं सुन पा रहा हूँ। तब सची अत्यधिक क्रोधित हो गई। उनकी केवल एक नजर ही पर्याप्त थी। भगवान गौर दौड़े और हाथ में छड़ी लिए हुए सची देवी ने उनका पीछा किया। भगवान गौर एक अस्वच्छ स्थान की ओर दौड़े, जहां अस्वीकृत मिट्टी के पात्र फेंके गए थे। यह देखकर माता सची अपने सिर पर अपना हाथ हाथ रखकर क्रोध पूर्वक बोली, हाय हाय, क्या करूं मैं इसको। अब तो वे भगवान विश्वंभर पर अधिक क्रोध हो गई थी। वे अस्वीकृत पात्रों के ढेर के ऊपर चढ़ गए। माता के क्रोधपूर्ण वचन को सुनकर उन्होंने उसके एकदम विपरीत किया। इस बात की अनुभूति होने पर सची देवी ने प्रसन्नता पूर्वक तथा स्नेह पूर्वक कहा, आओ मेरे पुत्र, आओ, ये बुरे काम करना छोड़ दो, यह उचित नहीं है। तुम्हें ब्राह्मण धर्म का पालन करना चाहिए। तुम एक ब्राह्मण के पुत्र हो, तुम्हारा जन्म एक उत्तम परिवार में हुआ है। लोग क्या कहेंगे जब वे तुम्हारे भयावह कार्यों के विषय में सुनेंगे? आओ मेरे पुत्र, आओ आओ, तुम्हें गंगा नदी के जल में स्नान कर लो। इस तनाव को न झेल पाने के कारण तुम्हारी माता का जीवन अनियंत्रित हो रहा है। आओ मेरे गले लग जाओ। यदि तुम आकर मेरा आलिंगन नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगी। मैं गंगा नदी में कूद कर डूब जाऊंगी। तब तुम घर में अकेले रहोगे, रोते चिल्लाते एक कक्ष से दूसरे कक्ष में घूमते रहोगे। तुम्हारा शरीर विशुद्ध स्वर्ण के समान है। तुम अपने अपने सुंदर देह पर राख क्यों मलते हो? जो मिट्टी का पात्र होता है ना, तो वो जल जाता है, तो मतलब उसको जो उसमें पकाया जाता है तो उसमें है ना जो काला लग जाता है ना, तो इसलिए वो काला जो है उस भगवान गौर के शरीर में लग गया है। मेरे पुत्र, कृपा करके इस भयानक गंदे स्थान को छोड़ दो। तुम्हारे शरीर पर लिपटी राख चंद्रमा पर लगे दाग के समान है। सुनिया रुसिला विश्वम भर गुण राशि, बारे बारे कहो तोरे तोरे तबु ना बुझेसी। अशुचि अशुचि करी बोले बोले सी कुबोलो, की सुचि अशुचि आगे विचार हमरो। ये वचन सुनकर भगवान विश्वंभर क्रोधित हो गए। वे बारंबार यही कहते कहते, तुम नहीं समझती, जब तुम स्वच्छ और अस्वच्छ शब्द बोलती हो तब तुम बुद्धिमता की बात नहीं कर रही हो। स्वच्छ क्या है, अस्वच्छ क्या है, मेरे प्रश्नों को समझने का प्रयत्न करो। ये वचन बोलने के पश्चात भगवान गौर ने अपने हाथ में ईंट का एक टुकड़ा उठाया और इस ईंट से अपनी माता के सिर पर आघात किया। एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे है ना, मैं आघात किया। इस प्रकार से माता सची ने बेहोश होने का अभिनय किया। माँ भी क्या की,
माँ जो है बेहोश हो गई, अभिनय किया। माँ माँ चिल्लाते हुए भगवान को रोने लगे। भगवान का रोना सुनकर गांव की स्त्रियां वहां दौड़ती हुई आई। उन्होंने सची माता के चेहरे पर गंगा जल छिड़का, सची माता पुनः होश में आ गई। जैसे ही वो होश में आई, उन्होंने चिल्ला कर पुकारा, विश्वंभर। अपने पुत्र को अपने बाहों में लेकर सची माता पुनः अचेत हो गई। अपनी माता को देखकर विश्वंभर रोने लगे। फिर एक मुस्कुराती हुई तेजस्वी स्त्री उनसे बोली, विश्वंभर की थोड़ी का स्पर्श करके वह उनसे बोली, अपनी माता के लिए दो नारियल ले आओ। छोटा सा बच्चा है, उसको बोल रहे हैं कि तू है ना दो नारियल ले आओ, मेरी बात सुनो, तभी तुम उन्हें पुनः जीवित कर पाओगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो मर जाएंगी। यह सुनकर भगवान विश्वंभर प्रसन्न हो गए और तथा एक ही क्षण में वे दो नारियल लेकर वापस लौट आए। एक ही पल में उन्होंने स्नेह पूर्वक अपनी माता को दो नारियल दे दिए। यह देखकर स्त्रियां आश्चर्यचकित हो गई, एक ही क्षण में ये लड़का दो नारियल कहां से ले आया। तब एक अत्यंत तेजस्वी व लालित्यपूर्ण मनोहारी स्त्री ने धीमे से सौम्यता से भगवान विश्वंभर से पूछा, बच्चे तुमने नारियल कहाँ से ले आए हो? तुम्हारी गतिविधियां से मुझे तुम्हारे वास्तविक स्वभाव के विषय में थोड़ी सी जानकारी मिल रही है। ये कथन सुनकर विश्वंभर रोने लगे और अपनी माता के गले लग गए। होश में आ जाने के पश्चात सची माता ने अपने पुत्र को का आलिंगन किया तथा उसके मुख कमल को लाखों करोड़ों बार चुमा। उन्होंने अपने वस्त्र के छोर से उसके मुख और अंगों को पोछा और फिर उसके शरीर का गंगा जल से स्नान करवाया। तो इसी प्रकार आज हम यहीं पे विराम दे रहे हैं। श्रीला लोचन दास ठाकुर की जय। श्रीमान चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री चैतन्य मंगल की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।